आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर रूट्स रियल हो या इमेजिनरी हो। रियल की कंडीशन क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इमेजिनरी के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो फॉर रियल, रियल एंड द रियल देखेंगे, रियल के लिए क्या होगा, रियल b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। b स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 2c यानी कि k ग्रेटर और इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल है। 3 का स्क्वायर 9, 42 8k ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहीं से मसला होता है। अब ये कोई एक कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं उधर लेके जाना चाह रहा हूं, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको दोनों तरफ माइनस करेंगे, 9 माइनस 9 माइनस 8 के ग्रेटर और इक्वल टू 0 माइनस 9, क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी, नहीं होगी। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नंबर को प्लस या माइनस करने से चेंज नहीं होता, ये हमने सीखा, इसलिए हम यहां पे इनइक्वालिटी का मुंह उसी तरफ ही रखेंगे जिस तरफ पहले था। तो ये कटेगा, माइनस 8 के ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 9। अब बताओ माइनस 8 को क्या करना होता है, दोनों तरफ डिवाइड। अब मैंने बताया था इनइक्वालिटी की दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसे हम चेंज करेंगे, माइनस 8 के ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 9, माइनस 8 को हम डिवाइड करेंगे, कट गया, तो k इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस माइनस से कट जाएगा 9/8, रियल के लिए ये हमें, अगर ये चीज इमेजिनरी के लिए कर सकते हो, इमेजिनरी के लिए क्या होगा, 5 इमेजिनरी, अगर ये कहानी में पहले दिला समझ ना आती, इमेजिनरी के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac डेस डेस 0, b क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, 2c क्या है, k लेस देन 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8k लेस देन 0, ये दूसरा अगर आ जाएगा माइनस 8k लेस देन माइनस 9 होगा, डायरेक्ट क्या जाएगा, तो अब देखिए माइनस 8k लेस देन माइनस 9, माइनस 8 को डिवाइड करें, इमेजिनरी के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, k इज ग्रेटर देन 9 का वैल्यू, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो रियल इमेजिनरी के लिए हम इस तरह के, इसी तरह के बाकी बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह होंगे, इमेजिनरी की रियल इसी तरह करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर इसके बाद समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वाला दूसरा को ट्राई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0, इसमें क्या करना है, इसी तरह रियल इमेजिनरी के लिए कंडीशंस रखेंगे, a जो है 1 है, b जो है वो 5 है, c जो है वो k, तो हमने करना है b फॉर रियल, b क्या है, b b 5 है ना, 5 k होगा, 5 k 5x से 5x से सॉरी मैंने इसके लिए बन लिखा है 5x से, तो हम लिखेंगे फॉर रियल, रियल की कंडीशन देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू, तो b क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1c की जगह a शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, 25 माइनस 4k ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसको भी ले लें माइनस 4k ग्रेटर और इक्वल टू 0 माइनस 25 माइनस 4k ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 25 माइनस 4 को डिवाइड किया तो कट जाएगा, लेकिन k इज लेस आर इक्वल टू 25 बाय 4, बात समझ आई,
ले सकते हो इमेजरी रियल के लिए, इमेजरी के लिए फॉर इमेजरी फॉर इमेजरी इसी तरह लेंगे, लेकिन इसको वो कहेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। बी हमारा क्या है फाइव का स्क्वायर माइनस फोर ए सी के लेस देन जीरो, 25 माइनस फोर के लेस देन जीरो। 25 उधर लेके जाता हूँ डायरेक्ट माइनस 25 होगा, माइनस 25 को लेके जाने से वो चेंज नहीं होगी, माइनस फोर की डिवाइड करने से चेंज हो, माइनस माइनस कट जाएगा, के इज ग्रेटर देन 25 बाय 4। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों मतलब यानी कि k की वैल्यू मेजरी, यानी कि अगर k की वैल्यू 25 से बड़ी है, 25 बाय 4 से बड़ी होती है तो इमेजरी रूल्स है। अगर k की वैल्यू लेस देन 25 तो रियल हो जाएगा, इक्वल जा सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।